खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पेपर लीक को लेकर ईडी की छापेमारी के बीच भाजपा ने सत्तारूढ़ दल पर उठाए सवाल। अलवर पहुंचे ओंकार सिंह लखावत ने कहा, युवाओं के साथ हुआ है धोखा। अविचल चतुर्वेदी बने नए अलवर कलेक्टर। पीएचईडी संयुक्त शासन सचिव के पद पर थे कार्यरत, वहीं योगेश दाधीच को लगाया भिवाड़ी एसपी। चार बच्चों के पिता ने पत्नी से झगड़े के बाद जहर खाकर दी जान, कठुमर क्षेत्र का था निवासी। वहीं कालकुआ के बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों की सीख देती हैं रामलीलाएं। अभय समाज और तांगा स्टैंड पर हुआ शुभारंभ। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जहां एक और पेपर लीक मामलों में ईडी के छापों से हलचल मची हुई है, वहीं अलवर पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में सत्ता से जुड़े कुछ लोग शामिल रहे, साथ ही नौजवानों के साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र विशेष के 100 थानाधिकारी बने और रातों रात उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया। लखावत का कहना है कि ऐसे में प्रदेश के युवा अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उधर लखावत का कहना था कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में प्रदेश भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर वन है। भेज रहे हैं, अगर इस पर शक हो रहा है किसी को, ये अपने आप में नियुक्ति सबसे ग्रसित होगी ना भाई। आरपीएससी के मेंबर को यदि आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो आज इस हिंग के डब्बे के अंदर जो बदबू आ रही थी, आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। आज फिर उसमें विवाद का प्रश्न खड़ा हो रहा है। आप ये नियुक्ति तो थोक बजा के ढंग से कर लेते, जिसमें जनता आप पर भरोसा करती। अब तक के इतिहास में लोक सेवा आयोग का सदस्य एक नहीं अनेक पर्चे यहां से आरपीएससी से लेकर के गए, उसने आउट किए, गिरफ्तार किया गया। क्या प्रमाण चाहिए होंगे? और इसलिए मेरा यह कहना है कि जब सत्ता आई तो सत्ता ने जो जो वादे किए थे, इस आधार के ऊपर इस सरकार को नैतिक आधार भी इसके पास नहीं है। और आम जन गांव गांव में लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन मतदान हो और हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकें। आक्रोश है, नौजवान व्यथित है, मन उसका कुंठित है, आर्थिक दृष्टि से जितनी मार पड़ी है उनके ऊपर आप कल्पना कर सकते हो। शहरों में जा जाकर के ट्यूशन किया, कोचिंग किया, घर से निकल करके गए, साधन दिखते खेती कहीं से उधार मारा करके साधन लेकर के गए, और उसके बाद ये पर्चे आउट करने के बाद उन जवानों के कैरियर के सामने झुका दिया। गौरतलब है कि ईडी ने कांग्रेस नेताओं के करीबियों पर छापे मारे हैं। उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि जयपुर के गणपति प्लाजा में करोड़ों का काला धन छिपा हुआ है। सांसद का आरोप है कि इन लॉकर्स में दिनेश खोड़निया के काले धन के साथ जल जीवन मिशन और DOT डिपार्टमेंट से जुड़ा पैसा भी रखा गया है। उधर ईडी की टीम कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार सुबह टीम जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर पहुंची। ये सभी घर और ऑफिस दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र हैं। उधर ओंकार सिंह लखावत ने चुनाव को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अम्बेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में बैठक भी की। उन्होंने समन्वय समिति और जिला स्तरीय चुनाव संचालन समिति की बैठकें ली। अभी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में जा रही है, हमारी सारी तैयारियां पूरी है। हमने मतदान केंद्र से लेकर के हमारा विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर के ऊपर विभिन्न प्रकार के कामों के नाते हमारे प्रशिक्षण कार्य पूरे हो गए, और हम आम जनता के पास में हमारे मैनिफेस्टो में क्या जोड़ा जाए, हमारे घोषणा पत्र में क्या है, उसके लिए हमने वाहन हमारा हर गाँव के अंदर जा रहा है, और वहाँ पर हम सबसे अपील करते हैं कि वो कैसी सरकार चाहते हैं, सरकार में क्या घोषणाएं चाहती है, हमारे क्या संकल्प चाहते हैं जिसको हम पूरा करें वादा, तो वो हम उसके लिए कर रहे हैं। और आपके मार्फत
मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वो अपने सुझाव उसके अंदर। और चुनाव चक्र के तहत अब बात करते हैं इन दिनों जारी सरगर्मियों और संबंधित मुद्दों को लेकर पार्टी समर्थकों एवं आम जन की प्रतिक्रिया की। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में भाजपा की दूसरी और कांग्रेस की पहली प्रत्याशी सूची का इंतजार बना हुआ है। उधर विभिन्न दलों के नेता एवं आमजन संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव एडवोकेट जगदीश प्रसाद शर्मा के अनुसार चुनाव से पहले भाजपा में खासी गुटबाजी एवं खींचतान नजर आ रही है। दूसरी ओर मुद्दों की बात करें तो अलवर में चंबल का पानी आज तक नहीं आ पाया और केंद्र एवं राज्य सरकारें उदासीन बनी हुई हैं। इसके अलावा युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा और निर्धन तबका और भी गरीब होता जा रहा है। अब की बार इस चुनाव के वातावरण में दो चीजें बहुत साफ साफ नजर आ रही हैं। एक तो यह है कि सरकार के विरुद्ध जो सत्ता में बने रहने का एंटी इनकमेंट फैक्टर्स होता है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, और दूसरी बात यह कि बीजेपी में जिस प्रकार से विद्रोह गुटबाजी विभाजन नज़र आ रहा है ये भाजपा के इतिहास में, चाहे इससे पहले जनसंघ रहा हो तब भी ऐसा कभी डिफेक्शन बीजेपी के अंदर कभी नज़र नहीं आया। ये विशेष परिस्थितियाँ हैं जो इस चुनाव में सामने नज़र आ रही है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अलवर के लिए चंबल के पानी लाने का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, गरीबी को उन्मूलन करके गरीबी रेखा से पार लोगों को ले जाने का मुद्दा है। ये मुद्दा तो वो है जो आम जनता से जुड़े हैं। कुछ लोगों के लिए जात और धर्म का भी मुद्दा है। वो लोग कहते हैं सत्ता में सब कुछ होने के बावजूद भी इस देश में हर जगह जिन पर कब्जा है तभी वो कहते हैं कि यहाँ एक धर्म विशेष के लोग अब खतरे में हैं। ये मुद्दा उनके लिए है। जो धर्म को राजनीति से जोड़ने वाले लोग हैं, हम वामपंथी लोग, सीपीआई के लोग, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। राजनीति और धर्म दो अलग अलग विषय हैं। पूरी दुनिया में अब धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया है और इसी वजह से वो प्रगति करते हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमसे बाद में आज़ाद हुआ चीन हमसे कहीं बहुत आगे है, और हम अभी अभी धर्म मंदिरों में मस्जिदों में अटके हुए हैं, और धार्मिक नेताएं आज भी यहाँ राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं। इस फिनोमिना को इस देश से और हमारे प्रांत से अलग करना पड़ेगा। कोई भी एक कथाकार आता है, करोड़ों रुपये उसको खर्च होते हैं और लाखों रुपए वो लेकर के चला जाता है, ये कैसा धर्म है? इस तरह का धर्म एक आम आदमी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस चुनाव में धर्म को धकेल करके केवल राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए, लड़ा जाना चाहिए, और जनता को सोचना चाहिए कि उन्हें वास्तव में सरकार कैसी चाहिए। वो जो धर्म के नाम पर भावनाओं को भुनाए वो, या वो जो इस देश के, प्रदेश के, हमारे लोगों के समस्याओं को हल करने के लिए, काम करने के लिए संकल्पित हो, यही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है और हमारी पार्टी इसी दिशा में काम करेगी। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे कैंडिडेट को जिताएं जो आम जन से जुड़ा रहे और उनका काम करे। जनता चुनाव में वादे, विकास सब भूल जाती है। चुनाव में पहली बात तो पार्टियां जिस जाति के वोट ज़्यादा हैं उनको टिकट देती है। योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलती, पढ़े लिखे युवाओं को टिकट नहीं देती। सभी राजनीति दल ये कहते हैं कि अब की बार युवाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, महिलाओं को देंगे, परंतु बाद में ना युवाओं को देते हैं ना महिलाओं को देते हैं। वो किसी पीटी लोग जो पहले दो तीन बार एमएलए रह चुके हैं या उनके परिवार के लोग, उनको टिकट मिलती है। विकास के मुद्दे और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सब गौण हो जाते हैं और ये चुनाव जातिवाद पे आके टिक जाता है। और जाति, जिस जाति का बहुमत है उस जाति के टिकट मिलती है और उस जाति के लोग विजय होते हैं। अभी तो कोई टिकट के पत्ते नहीं खुले हैं, पार्टियों के मंथन चल रहे हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को देख रही है कि वो टिकट देगी तो वो उसमें उसको घोषित करेंगे, और दोनों से नहीं मिलेगी तो लोग तीसरे, चौथे, पांचवे में घुस जाते हैं दूसरे दलों में। ऐन कैन प्रकरण उनका उद्देश्य होता है टिकट लाना। वहीं पार्षद गौरीशंकर का मानना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार जनता को राहत दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसका उदाहरण है। इसके चलते चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी पूर्णतः
बहुमत से जीतेगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और गहलोत के जो काम हैं वो सराहनीय काम है। हर गरीब को, हर तबके को, हर घर को, हर बुजुर्ग को, हर परिवार को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है और उससे महंगाई पे बहुत तगड़ी राहत मिली है। जिस तरह से देश की स्थिति आज महंगाई की तरफ बढ़ रही है, आप पेट्रोल के दाम देख लो, आप गैस सिलेंडरों के दाम देख लो, आप व्यापारियों का व्यापार देख लो किस तरह से ख़त्म हुआ है नोटबंदी के बाद, वो देखने की चिंता की बात है। इसलिए पूरी पब्लिक ने, राजस्थान की ने मानस बना लिया कि गहलोत सरकार को लाना है किसी भी कीमत पे और गहलोत सरकार फिर रिपीट, कोई मुद्दे नहीं है, किसी प्रकार के मुद्दे नहीं है। और आप देखो उन्होंने जो टिकट भी बंटवारा किया है उनको सांसद तक उतारने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग मान लो कि उनकी हार की तो सुनिश्चित है ही, और उनमें भी लड़ाई हो रही है, कोई काले कपड़े दिखा रहा है, कोई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। और सांसदों को, दिग्गज सांसदों को उतारने से ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई गई है पूरी तरह से। कुल मिलाकर चुनाव करीब आने के साथ ही ये चर्चाएं बढ़ रही है कि किस पार्टी का जोर रह सकता है और कौन से मुद्दे प्रमुख रहेंगे। अविचल चतुर्वेदी को अलवर का जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वे जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव से जुड़ा कामकाज भी देखेंगे। गौरतलब है कि चतुर्वेदी फिलहाल पीएचईडी में संयुक्त शासन सचिव हैं। राज्यपाल के आदेश पर हाल ही कलेक्टर पुखराज सेन को उनके पद से हटा दिया गया था। प्रदेश में हाल ही चुनाव घोषित हुए हैं, ऐसे में आईएएस और आईपीएस स्तर के उन अफसरों को लेकर समीक्षा की गई जिनका पदस्थापन पिछले कुछ माह में हुआ था। प्रदेश में ऐसे अनेक अधिकारियों को उनके मौजूदा पद से हटा दिया गया है। भिवाड़ी एसपी करण शर्मा भी इनमें शामिल थे। उनकी जगह जयपुर के एसीबी एसपी योगेश दाधीच को लगाया गया है। कठुमर थाना क्षेत्र में चार बच्चों के पिता ने पत्नी से झगड़े के बाद जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय ओमवीर जाटव का पत्नी से झगड़ा हो गया था, इसके चलते उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में ओमवीर को सामान्य चिकित्सालय लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मृतक के बुजुर्ग पिता पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। मर्द भैरन की लड़ाई, मैं बचाव नहीं गया, भैरन बाहर निकाल दी, पीट पाट करने बच्चों को पीट दिया। मैंने कहा यार ऐसा क्यों करा है, मत पीटो यार, ये मुंह में भी धक्का मार दिया। शराब वराब पीता था क्या? शराब पीता। अच्छा, हाँ। दिन में भी? दिन में, रात में कभी हो। क्या नाम है इसका? अमीर। अच्छा, क्या काम करता था ये? बुग्गा चलावा हो। कितने बच्चे हैं? चार। चार बच्चे हैं? हाँ। छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। अच्छा, यही कमाता था? यही कमा व्यवहार हो। तो किस बात को? वैसे ही है, इनमें आपस में मर्द भैया की लड़ाई, जाने ना तो सवेरे लड़ दो शाम को वही राजनामा। दवाई कहाँ से लेकर आए? ये दवाई बाजार से लेके आए। अच्छा, बाजार से किस लिए लेकर आया था? खेत में बोवे को। घर में रखी थी? हाँ। इसने सेवन कर लिया? सेवन का ही कर लिया, वो ढक्कन से खोला जब आगे बोरे में चली गई। घटना यही, बाल बच्चों में झगड़ा हो गया, सेल फोन से पास खा लिए, हॉस्पिटल ले गए कठुमर, किसी ने देखभाल नहीं करी, नेक आए गले देर से पड़ा, किसी ने देखा ही नहीं, समझो बाद में देख रहे जब वो खत्म हो गए, जब क्या देखी उनको। मतलब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? अब सब बीवी बच्चों में जाने किस बात हो गई, हमको ये इसका बात कर क्या मालूम, बीवी बच्चों में जाने किस बात हो गया, किस पे नहीं हुआ, अब ये तो बीवी जाने और बच्चे जाने। इन्होंने फिर क्या खाया? सेल फोन के पाउच। कहाँ लेके गए पहले? फिर इसे ले गए कठुमर हॉस्पिटल। यहाँ ये रहा है, हम यूँ कह रहे थे यहाँ पे चेक कराया कि सर क्या हुआ, जब जो मुझे करे कुछ नहीं है, सब मैं यूँ करो सर ये मर्द हो गया, और ये बताया कि सेल फोन के पाउच से मरा है, तो फिर पुलिस मैडम साहब क्यों परेशान करे, बेचिए मत करो, कहाँ है रो हम बताओ, कुछ निकलेगा क्या, कुछ देख रहे तो क्या काम करो, अब खत्म तो हो गया। और वहीं अलवर के ईटाराना फाटक पर 60 वर्षीय बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले की सूचना स्टेशन मास्टर ने जीआरपी थाना पुलिस को दी। मृतक बुजुर्ग की शिनाख्त कालकुआ ताराचंद जैन के रूप में हुई है। मृतक के शव का शुक्रवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जाता है कि मृतक बुजुर्ग ताराचंद जैन पहले से ही फाटक के पास छुपकर बैठे हुए थे। रेवाड़ी से जयपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन आते ही उन्होंने आगे कूदकर जान दे दी। हमें टेलीफोन पे थाने के सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुलिया के नीचे आउटर के पास में ट्रेन से कट के खत्म हो गया, तो जिस सूचना पर हम मौके पर पहुँचे मैं जाता, तो इसके परिजनों ने भी कहीं से इनको न्यूज मिल गई, तो वो भी इनके पुत्र वगैरह मौजूद मिले हमें ऑलरेडी, उन्होंने अपने पिता की बॉडी को देख के बताया कि ये मेरे पिताजी ताराचंद
सनो महावीर प्रसाद है जो यहाँ काड़ाकुआ अलवर में किराए के मकान से रहते हैं। अलवर में रामलीलाओं का दौर आरंभ हो गया है। इनके जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े आदर्श जानने का खासकर नई पीढ़ी को मौका मिलता है। पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर गुरुवार रात अयोध्या धाम के महंत गंगादास महाराज के सानिध्य में दीप प्रज्वलित कर रामलीला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त शैलेंद्र शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने की। साथ ही राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित संस्था से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। उधर संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रथम दिन गणेश पूजन के साथ ही ऋषि आश्रम और तक्षक की लीला का मंचन किया गया। वहीं 25 अक्टूबर को राम राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन होगा। उसके बाद महाराजा भर्तृहरि का नाटक मंचित किया जाएगा। श्री ऋषि अभय समाज के रंगमंच पर आज 12 तारीख से भगवान राम की लीला प्रारंभ होने जा रही है। इसमें गणेश पूजन, रामायण महात्म में कुंभ ऋषि आश्रम और तक्षक की लीला आज दिखाई जा रही है। ये रामलीला हमारी 25 तारीख तक चलेगी। 25 तारीख को राम राज्य अभिषेक होगा, उसके उपरांत महाराजा भर्तृहरि नाटक का मंचन किया जाएगा 26 तारीख से। उधर रामलीला क्लब तांगा स्टैंड की रामलीला का उद्घाटन गुरुवार रात गणेश पूजन के साथ किया गया। इसके बाद नारद मोह की लीला का प्रदर्शन हुआ। रामलीला का उद्घाटन मुख्य अतिथि शहर विधायक संजय शर्मा ने किया, जबकि अध्यक्षता महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा की गई। अति विशिष्ट अतिथि कुलदीप कालरा के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेम गांधी, नरेश तख्तानी, दीवान चंद सेतिया और अश्वनी खोसला रहे। मुख्य भूमिकाओं में नारद के रूप में विपिन, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ध्रुव कटारिया, ईशांत गुलाटी और अनंत गोयल, भगवान गणेश के रूप में हितेश ठाकुर रहे, जबकि कामदेव की भूमिका लक्ष्य ग्रोवर ने अदा की। अरे ये आदत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा, न बदला लूं बदी का, तो नारद नाम है मेरा। 12 अक्टूबर को हमारी श्री रामलीला का उद्घाटन 9 बजे हुआ। श्री रामलीला का उद्घाटन में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी और इनके साथ आज की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में पधारे श्री घनश्याम गुर्जर जी, और भी अन्य अतिथि लोग आए और आज के इस कार्यक्रम में उद्घाटन करके गणेश वंदना और नारद मोह की लीला का प्रदर्शन अपने कर कमलों द्वारा आरंभ कराया। ये लीला प्रभु राम की 76 वर्षों से चल रही है, जैसा सबको विदित है, निःशुल्क है, कुर्सियों पर कोई शुल्क नहीं है, सेवा भाव से और सभी को साथ लेकर चलने वाली रामलीला है। बालाकिला वन क्षेत्र में स्थित करणी माता के ऐतिहासिक मंदिर में रविवार से लक्खी मेला आरंभ हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने सफाई और पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान करणी माता के लिए प्रताप बंद होकर जा रहे सड़क मार्ग, सीढ़ियों और मंदिर परिसर में साफ सफाई के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा मेला मार्ग पर कई जगह श्रद्धालुओं के लिए पेयजल का इंतजाम रहेगा। मेला प्रभारी अधिशासी अभियंता कैलाश चंद मीणा के नेतृत्व में मुख्य सफाई निरीक्षक उदय सिंह चौधरी ने यहां दौरा किया। शहर के समीप गुजू की मालीबास में गत दिनों लाठी भाटा जंग में 8 लोगों को घायल करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अरावली बिहार पुलिस के अनुसार 22 सितंबर को गुजू की मालीबास निवासी जलेब मेव और शाहरुख के परिवारों में खूनी संघर्ष छिड़ गया था। बच्चों द्वारा नींबू तोड़ने के मामले को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई थी। जांच के बाद जलेब और शकूर सहित महिला रहमानी और हरजाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। 22/9/2023 को शकूर व दूसरा पक्ष
शाहरुख इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, झगड़ा होकर थाने पर मुकदमा दर्ज हो गए दोनों तरफ से। तो दौरान अनुसंधान सकूर जल्ला रहमानी हरजाना के खिलाफ धारा 147, 148, 323, 341, 324, 325, 308, 504 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया। तो इनको आज बाद अनुसंधान गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जाएगा, जहां से देशी करवाएगा। इनके आपस में कोई नींबू तोड़ने को लेकर आपस में कहा सुनी हुई थी, जिसी के ऊपर बात बढ़ने पर झगड़ा हुआ। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्त चिकित्सालय में शनिवार को मेडिकल कैंप लगेगा। यहां निशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन, जोड़ रोग और कैंसर जागरूकता शिविर लग रहा है। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि नेत्र जांच शिविर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगा। चिन्हित मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। वहीं जोड़ रोग शिविर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लगेगा, जिसमें जयपुर के डॉक्टर हार्दिक साहनी परामर्श देंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगा। हमारे यहाँ 14 तारीख को आँखों का मोतियाबिंद का निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद के चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन, लेंस, दवा सब निःशुल्क दी जाएंगी। उन इसके अलावा 14 तारीख को ही कैंसर से संबंधित एक सेमिनार कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जो 9 से 11 रहेगी, जिसमें कैंसर में से बचाव के लिए क्या हमको सावधानी बरतनी है, इस पर जो है व्याख्यान माला होगी, जिसके लिए जयपुर से और दिल्ली से डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो इस बारे में समझाएंगे। 14 तारीख को ऑर्थो का कैंप है, जिसमें डॉक्टर जो है फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर्स यहाँ आएंगे और वो हड्डियों से संबंधित जितने भी मरीज होंगे उनको निःशुल्क देखेंगे और उनको सलाह देंगे। ये कार्यक्रम जो है तीनों कार्यक्रम 14 तारीख को 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाए। अलवर में जारी 14 वर्षीय छात्र छात्रा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। प्रताप स्कूल और यशवंत स्कूल में इस दौरान हुए मैचों में अलवर की टीमों को पराजय का सामना करना पड़ा। निर्णायक देवेंद्र सिंह ने बताया कि सेमीफाइनल में छात्र वर्ग में बीकानेर की टीम ने सीकर और हनुमानगढ़ ने अलवर को हरा दिया। इसके अलावा छात्रा वर्ग में नागौर ने अलवर टीम एवं सीकर की टीम ने उदयपुर को हरा कर फाइनल में प्रवेश किया है। प्रतियोगिता का समापन 14 अक्टूबर को होगा। 67वीं राज्य स्तरीय हॉकी अंडर 14 बॉयज और गर्ल्स प्रतियोगिता का शुभारंभ 9 तारीख को यहाँ खुदनपुरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी के तत्वाधान में शुरू किया गया और उसमें बॉयज़ की 40 और गर्ल्स की 37 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आज हमारे जो मॉर्निंग सत्र में बॉयज़ और गर्ल्स के सेमीफाइनल खेले गए और उसके अंदर बॉयज़ के अंदर हमारे एसएस बीकानेर पहला सेमीफाइनल सीकर और बीकानेर के बीच खेला गया, जिसमें बीकानेर की टीम विजय हुई 3-1 से। और उसके बाद अलवर वर्सेस हनुमानगढ़, उसके अंदर बॉयज़ में हनुमानगढ़ की टीम 1-0 से जीती है। और उसी प्रकार छात्र वर्ग के जो सेमीफाइनल खेले गए हैं वो है नागौर वर्सेस अलवर, उसमें नागौर जीती है। और सेकंड सेमीफाइनल था सीकर वर्सेस उदयपुर, उसमें सीकर टीम ने विजय रही है। और आज जो है सायकालीन सत्र के अंदर हमारे जो 3:30 बजे फाइनल मैच खेले जाएंगे बॉयज़ और गर्ल्स के, और इसी प्रकार जो तीसरा और चौथे स्थान के लिए हार्ड लाइन के मैचेस भी आज सायकालीन सत्र में शुरू होंगे। इस प्रतियोगिता के लगभग 1700 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इसी के अंदर से जो चयनित बच्चे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनका चयन प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अग्रवाल महासभा की ओर से श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार को तीसरे दिन अग्रवाल धर्मशाला में महिलाओं द्वारा लड्डू गोपाल सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं चिनार पब्लिक स्कूल में क्रिकेट प्रीमियर लीग संपन्न हुई। महासभा की महिला मंडल की संचालिका विनीता गर्ग और रेखा गर्ग ने बताया कि अग्रवाल धर्मशाला में 80 महिलाओं द्वारा भगवान लड्डू गोपाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसके अलावा विजेता महिलाओं को पुरस्कार दिए गए। 13 तारीख है, इसमें लड्डू गोपाल जी की सज्जा प्रतियोगिता हुई है। उसमें 80 के आसपास सभी लोगों ने भाग लिया है और बहुत ही अच्छे लड्डू गोपाल सजा है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया है। जूनियर और सीनियर है और सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। तीसरे दिन लड्डू साज सजा प्रतियोगिता हुई है, इसमें 80 महिलाओं ने भाग लिया है, जो जूनियर वर्ग भी हैं, सीनियर भी है। 15 से 30 तक जूनियर से, 30 से अबाव सीनियर। 15 से 30 वालों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सांत्वना, 5 पुरस्कार अलग दिए गए हैं, ऐसे ही सीनियर में दे गया है। लड्डू साज सज्जा प्रतियोगिता थी, महिलाओं ने बहुत ही अच्छा सजाया, अपने बहुत ही अच्छे एफर्ट डाले उन्होंने, बहुत ही प्यारे सजाया। दिनेश मेहरा को राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस में सोशल मीडिया जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर नेशनल हेड मनु जैन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की सहमति से पत्र जारी किया है। वहीं दिनेश मेहरा ने इन दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला यूथ अध्यक्ष श्री कृष्ण यादव का आभार जताया है। आरएसआरटीसी रिटायरमेंट संगठन का क्षेत्रीय सम्मेलन अलवर में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए 16 अक्टूबर को एक बैठक अलवर बस स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय पर दोपहर 12 बजे होगी। इस दौरान भरतपुर, हिंडौन, धौलपुर, तिजारा एवं अलवर के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। साथ ही जयपुर से संगठन के महासचिव हर गोविंद शर्मा के अलावा धर्मवीर चौधरी और रामावतार शर्मा भी आएंगे। सम्मेलन चित्रगुप्त छात्रावास में हरिओम चुग के निर्देशन में 5 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने जानकारी प्रदान की। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों का द्विवार्षिक सम्मेलन क्षेत्रीय समिति का दिनांक 5 नवंबर को चित्रगुप्त छात्रावास में आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में सोमवार को हमने कार्यकारिणी मीटिंग बुलाई हुई है, उसमें और भी जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे, तैयारी की जाएगी, उसके लिए मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें जो निर्णय लिए गए हैं सम्मेलन के संदर्भ में उनकी जानकारी तथा उसकी तैयारी जो की जा रही है उसके संदर्भ में विचार विमर्श किया जाएगा। और अलवर बस स्टैंड के जो यूनियन ऑफिस है उसमें ये मीटिंग आयोजित की गई है और इस मीटिंग में प्रदेश के भी और हमारे जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे रिटायरमेंट साथी, सीनियर साथी हैं, कामना हरिओम चुग
वो मुख्य रूप से अपनी भूमिका साझा करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करना है, क्या क्या बाहर से जो आने वाले डेलीगेट्स आती है उनकी क्या क्या तैयारी हमें करनी है, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन राजकीय नवीन स्कूल में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य निधि खंडेलवाल रही। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि ACBO कमलेश गुरु थे और अध्यक्षता दिनेश कुमार शर्मा द्वारा की गई। इस दौरान अनेक पदाधिकारियों ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से वापस जोड़ने, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण और शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दूसरे कार्य में नहीं लगाने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। और वही विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन शुक्रवार को मनुमार्ग स्थित सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू हुआ। प्रदेश मुख्य महामंत्री लालाराम सैनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में आने वाले बच्चों की उपस्थिति ऐप द्वारा ऑनलाइन शुरू करवाई गई थी, लेकिन इससे विलंब से आने वाले बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। हाजिरी कम होने से उन्हें परीक्षा में बैठने में दिक्कत होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक की नौकरी निरंतर जारी नहीं रहेगी और कभी भी उसे हटाया जा सकता है। ऐसे निर्णयों सहित अन्य बिंदुओं को लेकर सम्मेलन में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु का 25वां जिला शैक्षिक सम्मेलन है, जिसमें सभी जिले के टीचर्स आएंगे और हम राज्य सरकार द्वारा जो भी गतिविधियाँ हैं उनमें 3 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण से विचार कर रहे हैं। नंबर पहला ये है कि सरकार द्वारा बच्चों की अटेंडेंस ऐप द्वारा चालू की गई ऑनलाइन, जिससे हमें ये भय लग रहा है कि बच्चे की ऑनलाइन अटेंडेंस होने से बच्चे लेट आते हैं, ड्रॉप आउट होने का भय रहेगा, शालाओं में छात्रों की संख्या कम हो जाएगी, बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ सकते। दूसरा बिंदु हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक बिंदु महत्वपूर्ण है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी 5 साल होंगे हर टीचर की स्क्रीनिंग होगी, दोबारा से उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही उसे रिन्यू किया जाएगा। इसका मतलब टीचर की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत नौकरी निरंतर नहीं रह सकेगी, कभी भी हट जाएगी। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि भाई कि जो भी यो आज जो अंग्रेजी स्कूल सरकार ने खोले हैं, इन अंग्रेजी सरकारी स्कूलों में वास्तव में योग्यताधारी टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए, जबकि आप हमारे विभाग से एक इंटरव्यू लेकर के उन्हें समायोजित कर रहे हैं, ठीक तरह से छात्रों को वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा जो अंग्रेजी विद्यालयों में होना चाहिए। वैशाली नगर थाना पुलिस ने 22 किलो गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SHO गुरुदत्त सैनी ने बताया कि चुनाव आयोग और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मादक पदार्थों को लेकर चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान रामगढ़ से आ रही एक बस में गांजे से भरे 2 कट्टे पाए गए, जिनमें 21 किलो गांजा मौजूद था। उधर मुख्य आरोपी सन्नी को पकड़ने पुलिस उसके घर पहुंची तो वह फरार हो गया। इस आरोपी के घर से भी पुलिस को 1 किलो गांजा मिला है। कल शाम को चुनाव आयोग और उच्च अधिकारियों से प्राप्त जो आदेश हुए हैं कि रैंडम नाकाबंदी आप लोग करें, ताकि अवैध परिवहन जो है मादक पदार्थों का, शराब का या नकदी वगैरह का, उसके संबंध में आदेश प्राप्त किए थे, तो उसी क्रम के दौरान हम कल शाम को बख्तल चौकी से पहले नाकाबंदी में जाप्ता के कर रहे थे, तो रामगढ़ साइड से एक बस आई, रोडवेज बस आई, उसको हमने रुकवाया, तो उसके सामान को चेक किया तो उसमें 2 कट्टे हमें संदिग्ध मिले, जिसके मालिकों के बारे में बस में पूछताछ की गई, तो उन मालिकों को उतार के पूछताछ की गई, तो उसमें गांजा जैसा पदार्थ होना बताया गया, और उनसे उन दोनों से पूछताछ में उन्होंने ये कोई सन्नी नाम के लड़के जो दिवाकरे में रहता है उसके लिए लाना बताया, जिसके उनकी सूचना के आधार पर उसके घर पे भी रेड मारी गई, तो वहाँ भी 1 किलो गांजा बरामद हुआ है। उन दोनों बस में जो आ रहे थे दोनों आदमी, उनसे हमें लगभग 21 किलो गांजा और सन्नी के घर पे 1 किलो गांजा बरामद हुआ है। टोटल 3 लोग अभी तक हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं और सन्नी नाम का लड़का जो मूल इसका है वो अभी वांछित। कोतवाली थाना पुलिस ने महिला से सोने की चैन छीनकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहायक उपनिरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि परिवादी सुरेंद्र कुमार ने इसे लेकर शिकायत दी थी। उसकी पत्नी सुशीला घर से मंदिर जा रही थी और अंबेडकर सर्कल के पास 2 बाइक सवारों ने उसके गले से सोने की चैन छीन ली थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी रसनाली मोड़ निवासी विक्रम बावरिया को गिरफ्तार किया है।
2023 जन्माष्टमी वाले दिन श्री भारद्वाज स्थित नंबर 10 अपनी पत्नी के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे और आर्यन हॉस्पिटल के सामने से उनके गले से दो अज्ञात मोटरसाइकिल वाले बदमाशों द्वारा उनके गले से लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके पश्चात उन्हीं बदमाशों के द्वारा दिनांक 11/9/2023 को अम्बेडकर चौराया के पास पुनः घटना कारित की गई, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर पीछा कर पकड़ लिया गया था, जिनके द्वारा पूछताछ में मुलजिमों द्वारा पूछताछ में दिनांक 7/9/2023 को श्री सुरेंद्र कुमार भारद्वाज की पत्नी की जो चैन लूटी गई थी उक्त घटना को भी उनके द्वारा स्वीकार किया गया। मुलजिम विक्रम उर्फ अशोक पुत्र गिरिराज जाति बावरिया निवासी ननियाली मोड़ पुलिस थाना बास दयाल जिला कोटपुतली बहरोड को मेरे द्वारा कल दिनांक 11 को जेल से प्राप्त कर अनुसंधान किया गया, जिसके द्वारा 27 की जो इतला दी गई थी उसके खिलाफ पर उसके घर से परिवादी सुरेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी के गले की जो चैन थी वो बरामद की गई है, जिसे हाल अदालत में पेश किया जाएगा। अन्य मुकदमों में भी अनुसंधान जारी। कक्षाओं से अक्सर नदारद होने वाले कॉलेज विद्यार्थियों के सामने कठिनाई भी पैदा हो सकती है। कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉ. अशोक आर्य के अनुसार विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अक्सर महाविद्यालय आते हैं लेकिन कक्षाओं में नहीं पहुंचते, इससे पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। मैंने पुरानी फाइलों को देखा है कि भाई छात्र महाविद्यालय में कम आ रहे हैं और क्लासों में आ ही नहीं रहे, तो उन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कर रखी है कि नियमित विद्यार्थी के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो उसी कड़ी में मैंने ये चाहा कि भाई शैक्षणिक वातावरण बने, महाविद्यालय में अधिक से अधिक छात्र आएँ, जिससे कक्षाएँ नियमित कक्षाएँ लगें और बच्चों को अधिक से अधिक हम पढ़ा सकें, इसलिए मैंने 75% हाजिरी अनिवार्यता का एक निर्देश 10 तारीख से लागू है। पहले भी लागू था लेकिन पहले भी तत्कालीन प्राचार्य महोदय ने निवेदन करा था लेकिन अखबार में नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार मैंने अभी 10 तारीख से मैंने इसको अनिवार्य रूप से टाइम टेबल लगा दिया और सभी संकाय साथियों से निवेदन किया है कि वो अधिक से अधिक कक्षाएँ लें और अधिक से अधिक छात्रों की उपस्थिति दर्ज करें। आदेश पालना के लिए मैं डेली क्लास चेक कर रहा हूँ, मेरे संकाय सदस्यों से मैं कह रहा हूँ कि भाई हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी करें, यदि उनकी हाजिरी कम रहेगी तो हम उनको नॉन कॉलेजेट विद्यार्थी घोषित करेंगे और उनकी क्या स्कॉलरशिप जो मिलती है उनसे वंचित है। नव सृजित कस्बा डेहरा उप तहसील में 7 पटवार मंडल गठित किए गए, जिनमें 33 गांवों को शामिल किया गया है। ऐसे में राजस्व विभाग के कार्य स्थानीय स्तर पर ही हो रहे हैं। बजट घोषणा में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जुली ने यहां उप तहसील स्वीकृत कराई थी। फिलहाल यह कार्यालय पंचायत मुख्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में संचालित है। जमाबंदी, खसरा और गिरदावरी सहित अन्य कार्य यहां संपन्न किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के जन्म, मृत्यु, जाति, मूल निवास और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं। उधर उप तहसीलदार मुकेश कुमार के अनुसार कुल 7 पटवार मंडलों में से 2 पटवार मंडल रिक्त हैं। उन्होंने अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय कस्बा डेहरा पर नई उप तहसील का सृजन किया गया है, जहां 7 पटवार मंडल बनाकर 33 गांवों को शामिल किया गया है और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसानों के हित की समस्या को वहीं पर हल करने लगे हैं। इसको लेकर जन्म, मृत्यु, जाति, मूल निवास जैसे प्रमाण पत्रों के लिए अब वहाँ के लोगों को अलवर नहीं भागना पड़ेगा, परेशानी खत्म हो गई है और यह कार्य इसी सत्र में शुरू हो गया है। मैं अवधि सिंह, एटीएल न्यूज।
माराखेड़ा कस्बे के गांधी चौक पर रामलीला मंचन का शुभारंभ हो गया है। यहां गुरुवार रात्रि गणेश जी का पूजन पंडित अशोक मिश्रा ने करवाया। वहीं मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने पूजा अर्चना कर फीता काटा। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शिवचरण भलाई, राजू गुप्ता, गोविंद जोशी, नवल किशोर और महेंद्र आदि उपस्थित रहे। इस रामलीला में कस्बे के अनेक लोग विभिन्न पात्रों का दायित्व निभाते हैं। नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, हे नारद, जो प्रसंग ये है उसे भली प्रकार से समझाइए स्वामी, क्योंकि मुनि नारद के मन में मोह उत्पन्न हो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। और वही तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के आधार पर रामलीला का मंचन बुर्जा गांव में गुरुवार की देर शाम आरंभ हुआ। यहां मंत्रोच्चार के मध्य पूजा अर्चना कर सरपंच प्रतिनिधि बने सिंह गुजर ने फीता काटा। इस मौके पर समाजसेवी नरेंद्र कुमार शर्मा, गोपेश कुमार और महेंद्र सहित अन्य धर्म प्रेमी मौजूद रहे। आचार्य सुरेश चंद्र शर्मा ने रामचरितमानस की पूजा अर्चना की। जो मुझको यहाँ बुलाकर उन्होंने आमंत्रित किया और मेरी सौभा बढ़ाई। बाकी मैं सभी ग्रामवासियों से, सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता लगी हुई है, धारण से 44 है, बिल्कुल शांति से अपना प्रोग्राम देखें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सब अपना सहयोग करें। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेसियों का कहना है कि हर चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज इस बार बदलेगा। मालाखेड़ा की प्रधान वीरवती के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनहित की अनेक योजनाएं संचालित की। ऐसे में प्रदेश भर के गरीब परिवारों के लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विकास के आयाम प्रस्तुत किए थे, साथ ही इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है
और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जनता के हित के लिए काम किए हैं। और हमारे जो सरकार ने जो योजना चलाई थी 25 लाख की चिरंजीव योजना, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, खाद्य सुरक्षा और ये किट जो उन्होंने जनता के लिए जो सुविधा जो करी है हमारे गहलोत सरकार ने, और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा अच्छी सुविधा दी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब की बार हमारे जो मतदाता हैं वो अपने विचार बना चुके हैं कि वो आपके सरकार, हमारी जो गहलोत सरकार ने योजना चलाई है उसके लिए वो दोबारा सरकार रिपीट हो सकती है। पर हमारे यहाँ के जो जनता है अपनी मन बना चुकी है कि आपके रिवाज बदलेंगे। राजस्थान प्रदेश में चाहे नेताओं ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के किए गए जन कल्याणकारी कार्य और जनहित के निर्णय को लेकर सरकार को रिपीट होने के दावे प्रधान और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। मालेखड़ा प्रधान वीरवती का कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और आम मतदाता रिवाज को बदलेंगे, क्योंकि इस बार भाजपा की सरकार नहीं होकर कांग्रेस की बनेगी। अब देखना यह है कि मतदाताओं का क्या रुझान रहता है, क्या फैसला रहता है, यह तो 25 नवंबर को ही पता चलेगा। मैं उदय सिंह के न्यूज। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस टिकट की दावेदार मालाखेड़ा प्रधान वीरवती गांव में जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जाटव समाज के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। किसान कांग्रेस के पदाधिकारी रहे राधा किशन गुजर का कहना था कि इस सीट से इस बार महिला को टिकट दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से प्रधान जी, हमारे मालाखेड़ा की वीरवती जी, इनको यदि टिकट मिलता है कांग्रेस का, तो हमारे अलवर ग्रामीण से भारी तन मन धन से इनके साथ जनता है और इनको भारी बहुमत से हम विधानसभा में भेजेंगे। और हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अब की बार वीरवती जी को हम विधानसभा में भेजना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको कांग्रेस का टिकट मिले। मैंने भी दावेदारी की है, क्यों मैं लोकल हूँ और यहाँ की निर्वाचन प्रधान हूँ वर्तमान में, और मैं इस टिकट के लिए अपनी दावेदारी कर रही हूँ। अगर पार्टी जाटव समाज को, जाटव को एक टिकट दे तो मैं यहाँ अलवर ग्रामीण से सीट निकाल के दूंगी। हमारे क्षेत्र के लोग और जो मतदाता हैं उन्होंने मेरे साथ हैं और उनके साथ की वजह से मैं अपनी इसी दावेदारी कर रही हूँ, और जनता मेरे साथ है, जनता का सहयोग मेरे साथ है। जनता जैसे कहेगी मैं उनके साथ रहूंगी और मैं इस टिकट के लिए दावेदारी कर रही हूँ। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अकबरपुर थाने में लाइसेंसी हथियारों को जमा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की घटना न हो। थानाधिकारी प्रेमलता ने बताया कि लाइसेंस शुदा हथियारों को जमा करने का आदेश है। 86 हथियार अकबरपुर थाना क्षेत्र में हैं, जिनमें से अब तक 81 हथियार जमा कर लिए गए हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो लाइसेंस शुदा जो हथियार हैं उनको जमा करने का एक आदेश आया हुआ है कि आप जमा कीजिए, जिसके संबंध में अपने जो अकबरपुर थाना क्षेत्र में 86 हथियार हैं, जिनमें हमने 81 हथियार हैं जो जमा कर लिए हैं, बाकी 5 बचे हुए हैं उनको अभी हम जमा करने के प्रयास में हैं और जमा करने की प्रोसेस जारी है। अकबरपुर कस्बे में श्री रामलीला मंडल की ओर से रामलीला का गुरुवार को श्री गणेश हो गया। रामलीला का उद्घाटन समाजसेवी महेश पटेल और पंचायत समिति सदस्य सुगना बाई ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। 11 दिनों तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा, साथ ही दशहरे पर रावण दहन के बाद कलाकारों द्वारा 3 नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बारे में महेश पटेल और कालीचरण गुप्ता का कहना है कि वर्षों से यह रामलीला की जा रही है। उधर पहले दिन नारद मोह की लीला दिखाई गई। हर साल की बात ही, इस साल भी रामलीला का आयोजन होता है। आज हमारे यहाँ अकबरपुर में रामलीला का उद्घाटन है। काफी संख्या में गाँव वासी रामलीला को देखने के लिए आते हैं और ये हिंदू धर्म की एक संस्कृति है। इसको रामलीला के सभी जो हमारे पात्र हैं गांव के सभी, रामलीला मंडल के जो कार्यकर्ता है, वो एक ऐसा काम हमारे यहाँ ऐसा काम करते हैं ताकि हिंदू संस्कृति जीवित रहे और लोगों की भावना भगवान के प्रति बनी रहे। अलवर नारायणपुर रोड पर स्थित ताल वृक्ष मांडव ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। यहाँ ताड़ के लंबे घने वृक्ष पाए जाते हैं, साथ ही गंगा माता का मंदिर और भूतेश्वर महाराज का 7 फुट का शिवलिंग विराजमान है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं।
यहाँ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, साथ ही गर्म और ठंडे पानी के कुंड भी हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशेष भीड़ रहती है। एक कुंड में तो सर्दियों के समय में भी पानी गर्म रहता है। ऋषि मुनियों की मतलब तपस्या है, ये काफी अच्छा सांस्कृतिक स्थल है, स्मारक है, मंदिर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गंगा मंदिर, भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है करीब 7 फुट का। सामने गंगा जी का, गंगा माता का मंदिर है, भगवान शिव की जटाओं से जो गंगा माता निकली, तो लगता है कि पर्वतों में है और उनके सामने शिवलिंग के। तो काफ़ी अच्छा महत्व तो इस स्थल का है, काफ़ी पर्यटक आते हैं दूर दराजों से भी। यहाँ गर्म ठंडे पानी कुंड, गर्म ठंडे पानी का झरना कुंड भी है एक, तो मतलब काफ़ी पर्यटक आते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की, काफ़ी शांत माहौल में पर्यावरण के बीच में ये स्थल है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सरकार की तरफ से और ध्यान दिया जाए तो इस स्मारक को, जगह को संरक्षित किया जा सकता है। सरकार अगर ध्यान दे तो और इनका डेवलप हो सकता है और पर्यटक आ सकते हैं, पर्यटकों को लुभा सकते हैं ये स्थान, क्योंकि इनका सांस्कृतिक और काफ़ी मतलब हमारे संस्कृति से जुड़े हुए स्थल रहे हैं। उमरैन ग्राम पंचायत में इन दिनों बंदरों के आतंक से ग्रामवासी परेशान हैं। ये बंदर घरों से जूते, चप्पल और कपड़े आदि भी उठाकर ले जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बंदरों को पकड़कर जंगल में छुड़वाया जाए। दूसरी ओर आवारा गौवंश से भी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जो खेतों में घुसकर फसल को चौपट कर जाते हैं। बंदरों ने तो इतनी भारी जनसंख्या में है कि बंदरों ने तो जीपना ही हराम कर रखा है। बच्चे इनको खा जाते हैं, आदमियों को खा जाते हैं, सारे बर्तन कपड़े फपड़े सब फाड़ जाए, और सरकार इन पे कोई ध्यान ही नहीं देती है बंदरों पे, और ना ही सरकार ये राना बिड़जा डोलते हैं इन पे ध्यान देती है। खेती में उगा का ये खा जाए, ट्रैक्टर इनको पैसा दे, खेत में पैदा ही ना हो, बिड़जार खा जाए खेती में, बालक भूखा मरता डोलना हमारा। हमारा गांव से परेशान है, हमारा पशु से पब्लिक परेशान है बहुत भारी, लेकिन सरकार को कोई अंकुश नहीं। तो सरकार इनको गौशाला में ले जाओ, नहीं सरकार इनको पालन पोषण करे। तो श्री आदर्श रामलीला कमेटी तहसील रंगमंच द्वारा रामगढ़ में गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ। गणेश पूजन के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जवाहरलाल तनेजा, नवीन यादव, गौरव सोनी, अमन कुमार, प्यारे लाल सैनी, मोहनलाल शर्मा और अनेक पार्षदों सहित प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामावतार शर्मा और निर्देशक दिनेश शर्मा ने अतिथियों को श्री राम के स्मृति चिन्ह भेंट किए। बड़ौदा में कस्बे स्थित पंजाबी धर्मशाला में श्री राम कला मंडल द्वारा रामलीला का उद्घाटन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष रूप राम प्रजापत ने बताया कि भगवान गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। वहीं 25 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसका शुभारंभ नगरपालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद की अध्यक्षता में किया गया, जबकि मुख्य अतिथि एडवोकेट देवेंद्र दत्ता और युवा नेता जय आहूजा रहे। उधर इस दौरान मंच संचालन कमल भादवा और सन्नी अरोड़ा द्वारा किया गया। में कई वर्षों से सतत चलती आ रही श्री राम कला मंडल के द्वारा आयोजित की जा रही रामलीला का आज उद्घाटन हुआ है। इसी अवसर पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। ऐसा कार्यक्रम सदैव होता रहे, ऐसी हमारी समस्त लोगों को शुभकामनाएं। बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां जिले में चलने वाली दौसा डिपो की खटारा बसों के हाल बेहाल हैं। ऐसे में हादसों की आशंका बनी रहती है। शुक्रवार को थानागाजी से गोला का बास होते हुए दौसा जाने वाली बस में भी यह नजारा देखने को मिला। इसके अलावा भीड़ ज्यादा होने के कारण कई लोग बस के गेट पर लटक कर यात्रा कर रहे थे, लेकिन परिचालक ने उन्हें टोकना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना महंगा पड़ सकता है। उधर यात्रियों ने मांग की है कि दौसा डिपो से गोला का बास, थानागाजी और अलवर की ओर आवाजाही करने वाली रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जाए। और ये गाड़ियों में इतनी भीड़ है, बहुत आवश्यकता से ज्यादा, और हम लेट हो जाते हैं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी आधे घंटे लेट हो गए, और ये कोई तरीका नहीं है। गाड़ी नेम से दूसरी और चलाओ, ये गाड़ी बिल्कुल रद्द है। मतलब दो बसों की एक में चलती है, और ये कोई बस नहीं है तो डब्बी। और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरथल एवं तिजारा में सी विजिल ऐप के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक बनाया गया। खैरथल थाने में हुए कार्यक्रम में पुलिस लाइन और खैरथल थाने के स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया, साथ ही आमजन एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे। इन सभी को संबंधित ऐप डाउनलोड करवाया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल, डीएसपी सुरेश कुड़ी, थाना प्रभारी अंकेश कुमार, व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक डाटा आदि मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाचार के लिए
सभी डिपार्टमेंट्स सभी महकमों से इलेक्शन कमीशन ने भी आग्रह किया था कि भाई अपने लेवल पे भी नवाचार करें जिससे इलेक्शन में फ्री एंड फेयर चुनाव हों। तो इसमें हमने भी हमारे आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिया, तो उसमें ये इनिशिएटिव लेके कि हम सी विजिल के प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये बैजेस बनवाए हैं, बैजेस भी कोटपुतली की जो नई पुलिस साहिबान है रंजीता शर्मा उन्होंने तैयार कराए। तो आज ये सभी जिलों में जिला लेवल पर थाने लेवल पर चौकी लेवल पर डाउन द लाइन इवन बीट कॉन्स्टेबल करेगा सभी से, और मैक्सिमम जितने ये ऐप डाउनलोड करवाएंगे लोगों को जिससे इस पर लोगों को उपयोग में आए। सभी पुलिसकर्मी तो डाउनलोड करेंगे ही, इसके अलावा सुरक्षा सखी हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक दल हैं, इनको भी हम सभी से ये जो प्रोग्राम सभी थानों में किया जा रहा है आज। उधर तिजारा में थानाधिकारी राजकुमार एवं पुलिस कर्मियों ने सी विजिल ऐप डाउनलोड कराया। इसे लेकर उन्होंने कस्बे के दुकानदारों और आम जन से संपर्क किया, साथ ही चुनाव आचार संहिता की पालना को लेकर जागरूक रहने का आह्वान किया। खैरतल में मातो रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा संस्थान द्वारा चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। इस दौरान SCR हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर अजय सिंह शेखावत द्वारा सेवाएं दी गई। इस कैंप में 151 रजिस्ट्रेशन हुए। इस मौके पर अग्रवाल सभा अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, चिंतामणि अग्रवाल, अशोक बंसल, सुनील बिंदल, सुनील बंसल और ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। तिजारा में एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के साथ पुलिस द्वारा मारपीट को लेकर धरना प्रदर्शन जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। गत 26 सितंबर से तिजारा कोर्ट में अनिश्चितकालीन कार्य स्थगन, धरना प्रदर्शन और अनशन जारी था। धरना स्थल पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने तिजारा बार अध्यक्ष विजय सिंह खटाना का अनशन तुड़वाया। 16 अक्टूबर से सभी अभिभाषक संघों द्वारा न्यायालयों में सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा। हमारे साथ के अधिवक्ता पुरुषोत्तम सैनी के साथ जो मारपीट की गई थी उसके विरोध में हमारा अनशन चल रहा था, जिस पर आज DJ साहब ने आके हमसे समझाइश की और जिस पर सहमति बनी कि मैं उच्च अधिकारी को लेटर लिखूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई के कुछ आदेश की पत्र लिखूंगा, ठीक है, और ये हमारे शर्तें नहीं मानी गई तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। मालाखेड़ा अभिभाषक संघ ने भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का स्वागत किया, साथ ही नव निर्मित उपखंड कार्यालय पर बार कार्यालय बनाने की मांग रखी। अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी जाटव ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में वे इस पर अमल करवाएंगे, चाहे कार्य पर कितनी ही लागत आए। इस आश्वासन को लेकर सभी वकीलों ने उनका आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता नीलेश खंडेलवाल ने कहा है कि इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। खंडेलवाल के अनुसार कांग्रेस पार्टी जल्द सूची घोषित करेगी और दमदार प्रत्याशी उतारेगी, साथ ही चुनाव में करीब 150 सीट हासिल करेगी। कांग्रेस नेता खंडेलवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जनहित में कोई खास काम नहीं किए हैं। इसके अलावा भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर फूट है। जो गहलोत जी के जनहित की योजनाएं पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल है आज कांग्रेस के नाम पे और गहलोत जी की आज जो जनहित की योजनाएं हैं उसके आधार पे आज हर तबके में हर परिवार में गहलोत जी की योजनाएं पहुंची हैं, हर को लाभ मिला है, हर एक आदमी को। और जहां तक आपने टिकट की बात करी, BJP टिकट की दौड़ में उन्होंने आगे पहले दे दिए हैं टिकट, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल समझदारी से बिल्कुल एक चुन चुन कर जो सर्वे के आधार पे जो भी आएगा उन्हीं को टिकट देती है देगी। सांसद उतारने पड़ गए, यानी कि आज स्थिति बड़ी दयनीय है, जब भी तो सांसद को उतारा है, लेकिन वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो इस चीज़ के खिलाफ हैं और मुद्दे जो हैं उनके पास कुछ नहीं है, फालतू की खामेखा की एक मार्केटिंग का खेल है। मोदी जी जब आते हैं उनको तो भाषण क्या, वो तो एक मार्केटिंग प्रचारक है, उनको उनके पास योजना नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन गहलोत जी के पास आज हम कोई भी कार्यकर्ता किसी घर में घर घर में जाएंगे तो गहलोत जी की योजनाओं को लेकर जाएंगे। आज उन्होंने कितनी योजनाएं जो अनगिनत हैं, मैं मान के चलता हूँ 150 सीट के कल प्लस आएंगे, 150 के आसपास, बिल्कुल 150 के आसपास बहुमत की सरकार बने 100% है, बिल्कुल लोगों में उत्साह है। राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन शहर के एक होटल में आयोजित हुआ।
इसमें मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपनिदेशक ओम शंकर वर्मा रहे। साथ ही अध्यक्षता प्रदेश महासचिव रामचरण वर्मा ने की। इसके अलावा सीबीओ रमेश चंद गांधी सहित गोपाल प्रसाद, जगदीश जाटव, मंगलराम जाटव और महेंद्र सिंह आदि अतिथि रहे। वहीं जिला अध्यक्ष अमर सिंह जाटव के अलावा अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही, जबकि मंच संचालन डॉक्टर बुधराम ने किया। सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रदेश महासचिव रामचरण वर्मा। राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन है, 2 दिवसीय, और आज इसमें विशेष रूप से भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बदलते परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन पर चिंतन मनन हो रहा है। इस जो आज शिक्षा की जो स्थिति है पूरे देश में और राजस्थान प्रदेश में, उस पर मंथन हो रहा है। सभी जो शिक्षक हैं यहाँ भारी संख्या में सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और वो जो भी उनके समस्याएं जो उनको सामने आ रही हैं वो अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं। और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, ओम शंकर जी वर्मा जो शिक्षा उपनिदेशक हैं अजमेर से, और तमाम जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य सभी यहाँ उपस्थित हैं। सभी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद सम्मेलन के बाद जो है 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार करके माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित करेंगे। शिक्षा देनी चाहिए, जो एक स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए बालक बालिकाओं में, जिससे वो चाहे 12th की एजुकेशन ले, चाहे वो स्नातक स्तर की शिक्षा लेने के बाद वो अपना स्वयं का रोजगार खोल सके, लेकिन वो शिक्षा प्रणाली जो है उसको रोजगार उन्मुख नहीं बना पा रही है और एक बालक बालिकाओं में जो स्किल डेवलप होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। और चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर। पेपर लीक को लेकर ईडी की छापेमारी के बीच भाजपा ने सत्तारूढ़ दल पर उठाए सवाल। अलवर पहुंचे ओंकार सिंह लखावत ने कहा, युवाओं के साथ हुआ है धोखा। अविचल चतुर्वेदी बने नए अलवर कलेक्टर। पीएचईडी संयुक्त शासन सचिव के पद पर थे कार्यरत। वहीं योगेश दाधीच को लगाया भिवाड़ी एसपी। 4 बच्चों के पिता ने पत्नी से झगड़े के बाद जहर खाकर दी जान, कठुमर क्षेत्र का था निवासी। वहीं कालकुआ के बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूद कर की खुदकुशी। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों की सीख देती हैं रामलीलाएं। अभय समाज और तांगा स्टैंड पर हुआ शुभारंभ। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।